नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ऐसी चटनी बनाना बताऊंगी जिसे आप बिना फ्रिज के महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं और इसे हम बिना केमिकल बिना प्रिजर्वेटिव के बनाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं चटनी को हमें कैसे बनाना है। चटनी की प्रिपरेशन हम पहले देख लेंगे तो आपको चटनी बनाने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने ये लहसुन छील ली है, कुछ इतने बड़े टुकड़े को हमने अदरक के छोटे पीसों में कर लिया है। 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ को हमने लिया है। आगे हमने यहाँ ली है कश्मीरी मिर्च, देखिए इस तरह से रहती है। यदि आपके पास ये कश्मीरी खड़ी मिर्च ना हो तो मैं आगे बताऊंगी इसके अल्टरनेट में हमें क्या करना है। तो 4 मिर्च हमने ली हैं इस तरह से, ये 4 मिर्चों को हम हटा देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च को हमने कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, 10 से 12 ये नॉर्मल जो मिर्च है रेगुलर वाली। 2 चम्मच नाश्ते से ये हमने धनिया लिया है, खड़ा धनिया है। चलिए अब हम इनको साइड में रख देते हैं और गैस में कढ़ाई रख लेते हैं। सब्जी के चम्मच से हम तेल डाल देंगे, 2 चम्मच हम ये तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, यहाँ हम लहसुन को डाल देंगे और लहसुन को हम मीडियम से लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। करीब आधा मिनट में आधी लहसुन रोस्ट हो गई है, अब हम डाल देंगे यहाँ अदरक। अदरक डालने के आधा मिनट बाद हम डाल देंगे ये दोनों मिर्ची। इस समय भी आंच को हमने एकदम मंदा करके रखा है। मिर्ची डालने के आधा मिनट बाद हम डाल देंगे धने, और धने के साथ ही डाल देंगे जीरा और सौंफ। सभी मसालों को साथ में डालने के बाद करीब 2 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे। सभी मसालों को रोस्ट करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और खुशबू बहुत अच्छी तरह से आने लगी है। यहाँ हम करेंगे गैस को बंद और बाकी मसाले जो बचे हैं वो मिला देंगे। 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे, ये रेगुलर नमक है। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। पहले हमने आपको बतलाया था कि यदि आपके पास खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो जब हमने नमक और हल्दी डाल ली है इन सभी गरम मसालों में, उसी समय आपको 2 चम्मच कश्मीरी पिसी लाल मिर्च डाल लेना है। सभी मसालों को हम फैला दे रहे हैं, इसको हम ठंडा होने देते हैं। मसालों को हमने अच्छी तरह से ठंडा होने दिया है और इस चटनी को हम सब्जी रोटी दाल चावल बिरयानी किसी के भी साथ खाएंगे, सभी के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मैं जो भी नई वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। सबसे आखिरी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। चटनी को हम ग्राइंड कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। चटनी को एक बार हमने पीस लिया है, अब एक बार हम इसको एक सा करके थोड़ा सा और पीस लेते हैं। चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम टिफिन में या सफर में भी ले जा सकते हैं। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों चटनी को ठंडा करके एकदम हम कांच के कंटेनर में रख देंगे। इसे हम 1 महीने तक काम में ले सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से चटनी बनाना बताया, इसे हम अपने किचन के सामान से ही बना लेते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये चटनी बनाने का तरीका कैसा लगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।